हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 13 जिसका टॉपिक है जॉइंट्स। आज की वीडियो हम जानेंगे अपने जॉइंट्स के बारे में। हम यहाँ पे आर्थ्रोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। आर्थ्रोलॉजी एक एनाटॉमी की ब्रांच है जहाँ पे हम जॉइंट्स के बारे में अपने स्टडी करते हैं। जो हमारा जॉइंट होता है या दो से अधिक बोन से मिलकर बना होता है या एक कार्टिलेज या बोन से मिलकर बना होता है। वैसे तो मेडिकल साइंस में जॉइंट्स को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है, लेकिन अगर हम ट्रेनर हैं या फिर हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते तो हमारे काम का यहां सिर्फ मूवमेंट है। सो सिर्फ हम यहां फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में जॉइंट्स को टाइप्स एंड डिग्री ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आपको तीन तरह के जॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है सिनार्थ्रोसिस, दूसरा है एम्फियार्थ्रोसिस एंड थर्ड है डायार्थ्रोसिस। हम तीनों के बारे में एक-एक करके स्टडी करेंगे अपने इस वीडियो में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जॉइंट है सिनार्थ्रोसिस जॉइंट। सिनार्थ्रोसिस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। There is no mobility at synarthrosis joint. अब होता यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बोन्स कितनी होती हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको कि नियर अबाउट 270 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम स्केलेटन मैच्योर होता है तो हमारी बोन 206 तक ही बचती है। अब होता क्या है, यहाँ पे कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाती है, कुछ बोन आपस में फ्यूज हो जाती है, जिस कारण ये जो हमारे बोन्स का नंबर है ये 270 से लेकर 206 तक पहुँच जाता है। तो ये जो बोन्स जुड़ जाती है आपस में, जो फ्यूज हो जाती है, ये जो जिस तरह से फ्यूज होती हैं, इन्हीं जॉइंट्स को हम सिनार्थ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं। इनको हम नॉर्मल भाषा में सुचर जॉइंट्स भी बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिलाई की गई होगी दो बोन्स की, तो इस तरह से ये दिखता है। अब यहाँ पे होता यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें माँ के पेट से बाहर आने में आसानी हो, इसलिए हमारी बोन्स कई सारे बोन्स के फॉर्म में रहती हैं और आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम पैदा हो जाते हैं, जैसे हम माँ के पेट से बाहर आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे जब हमारा स्केलेटन मैच्योर होता है तो यह सारी बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और एक रिजिड बोन्स फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा यह स्कल है, जब हम पैदा नहीं होते तो यह स्प्लिट फॉर्म में रहता है, कई सारे बोन्स में रहता है, लेकिन हम जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो ये जो हमारा एक क्रेनियम है आपस में फ्यूज हो जाते हैं, सारी बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जब जुड़ता है तो इसी जॉइंट्स को हम सिनार्थ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं, ये सूचर जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे देखने में ऐसा लगता है कि जो स्कल है पूरा धागे से सिया हुआ है, धागे से इसकी बुनाई की गई होगी, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको बोनी मार्किंग दिखेंगी। सो ये जो मार्किंग है ये इंडिकेट करती है कि यह एक जॉइंट है, और जैसे जैसे आपका स्केलेटन मैच्योर होता है तो ये जॉइंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता इनके बीच। So, synarthrosis joint एक immovable joints है। हमारे body में कई सारे synarthrosis joint है। For example, ये cranial हो गया, हमारे जो vertebral column है, sacral हो गया, coccygeal हो गया, ये synarthrosis joint के examples हैं। Second joint है हमारा amphiarthrosis joint। Amphiarthrosis joint एक ऐसा joint है जहाँ पे बहुत कम movement होता है। There is a limited mobility in amphiarthrosis joint। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे दो bones आपस में पास आती हैं joint form करने के लिए, लेकिन इन दोनों bones के बीच में एक छोटा सा कार्टिलेज होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है यह एम्फियार्थ्रोसिस का बेस्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, जो दो वर्टिब्रे होते हैं इनके बीच एक थिक पैड जैसा कार्टिलेज होता है जो कि एक फाइब्रो कार्टिलेज होता है, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहां पे दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच एक थिक पैड है जो कि एक कार्टिलेज है, जिसके कारण हम थोड़ा सा मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। और इसी तरह का कार्टिलेज हमारे हर वर्टिब्रे के बीच में होता है, जिसके कारण हमारी जो बैकबोन है बेंड हो सकती है, इधर बेंड हो सकती है, इधर बेंड हो सकती है, थोड़ा थोड़ा लिमिटेड मूवमेंट हमारे बोन्स के वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है, जिस कारण जब हम कंबाइन करेंगे थोड़े थोड़े मूवमेंट को तो हम ज्यादा बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे ये पूरा मूवमेंट कर सकते हैं। तो जब इस पूरे मूवमेंट में हमारी जो हर वर्टिब्रे के बीच में डिस्क है वो थोड़ी थोड़ी मूव हुई, और थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए जो सम हुआ टोटल वो इस तरह का सम हुआ कि हम ज्यादा मूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिस कारण थोड़ा सा मूवमेंट परफॉर्म हो पाता है। सो ऐसी बोन्स जिनके बीच में इस तरह का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिस कारण हम थोड़ा सा मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट कर पाते हैं, तो इस तरह के जॉइंट्स को हम एम्फियार्थ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं। अब बात आती है हमारे थर्ड जॉइंट की, जो है डायार्थ्रोसिस जॉइंट। डायार्थ्रोसिस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जहां पे प्रॉपर मूवमेंट होता है, इट इज अ मूवेबल जॉइंट। मोस्ट ऑफ द डायार्थ्रोसिस जॉइंट जो होते हैं ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में होते हैं, हमारे लिम्स में होते हैं, हमारे हाथ पैर में होते हैं, इस कारण हमारे हाथ पैर के जो जॉइंट्स है ज्यादा रेंज ऑफ मोशन में मूव कर पाते हैं। जो हमारे सारे सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो एक तरह से डायार्थ्रोसिस जॉइंट होते हैं। डायार्थ्रोसिस जॉइंट सिनोवियल जॉइंट्स इस तरह से होते हैं कि यहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं और जो लिगामेंट होता है इस जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। हर सिनोवियल जॉइंट में जॉइंट कैविटी होती है, जिसे हम जॉइंट कैप्सूल भी बोलते हैं। इस जॉइंट कैप्सूल के अंदर कई सारे चीजें होती है, फॉर एग्जांपल आर्टिकुलर कार्ट,
कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, एक व्हाइट कलर का टिश्यू होता है जो हमारे बोन के एंड में प्रेजेंट रहता है। इसका काम होता है कि हमारे बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करना और जो लोड आ रहा है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि जो मूवमेंट हो सके जॉइंट पे वो बहुत स्मूथ हो सके। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जो बोन के एंड में एक व्हाइट कलर का टिश्यू दिख रहा है, देखने में तो थोड़ा ग्रे कलर का दिख रहा है, वो ग्रे कलर का दिख रहा है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये आपको दोनों बोन में दिख रहा होगा, ऊपर वाली बोन में भी और नीचे वाली बोन में भी। और इन दोनों आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच जो ये डॉट 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 दिख रहे हैं, यह एक तरह के थिक गाढ़े विस्कस फ्लूइड है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इन फ्लूइड का काम होता है हमारी बोन्स के बीच लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, ताकि बोन्स स्मूथली एक दूसरे के ऊपर मूव कर सके। ओके, और यह फ्लूइड बाहर निकले इसलिए ये पैक्ड होते हैं कैप्सूल के फॉर्म में, जिसे हम जॉइंट कैविटी बोलते हैं या जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं। इस जॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, ये दोनों कनेक्टेड टिश्यू होते हैं। इनके बारे में हम अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। आज बस आप इतना जान लीजिए, जो लिगामेंट होता है या बोन से बोन को कनेक्ट करता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और वहीं जो टेंडन होता है यह हमारी बोन को हमारे मसल से कनेक्ट करता है। जो ये लिगामेंट है या टेंडन है, ये हमारे जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये जॉइंट को हमारे स्टेबलाइज करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। हम अपने आने वाले वीडियोस में साइनोवियल जॉइंट कितने तरह के होते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो ये साइनोवियल जॉइंट था, जो ये डायर्थ्रोसिस जॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। यह हमारी बॉडी में मेजर जो हमारे मूवमेंट होते हैं ये परफॉर्म करता है। और जो मेरे पिछले लेसन है उनके वीडियो जरूर देखते रहिए, ताकि वो सारी चीजें आपके दिमाग से भूले ना, और जो आगे आने वाली चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो। इसके लिए आपको जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। और आप तो जानते हैं वीडियो के लास्ट में मैं क्या बोलता हूं। सो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो पे दिल खोल के लाइक कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये देश के हर कोने तक पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह के काम के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।